मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी खुश रहो तुम दुआ है तुम्हारे। तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, आशा करते हैं ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर भी जिस तरह हिंदी ओल्ड लोपी सॉन्ग में स्टेटस को देखा है, ये सॉन्ग अभी इंस्टा पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो दोस्तों आप भी खुद का फोटो लगा के कुछ इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत सिंपल है। मैं सब कुछ पहले से तैयार करके रखा हूँ, खाली आपको फोटो ऐड करना पड़ेगा और स्टेटस बन जाएगा। तो आप भी ऐसे स्टेटस बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके रखें, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा पर सबसे आगे नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है खराब होता है कमेंट भी कर दीजिए, और वीडियो बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो यूज करने वाला हूँ सभी फोटो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलआईडी मोशन ऐप को ओपन करना पड़ेगा। तो मैं एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ, तो देख सकते हो मैं एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ। तो एलआईडी मोशन ऐप को ओपन कर लेना और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है पर आ जाना, और देखो यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है ये सॉन्ग बीट मार्क को खाली डाउनलोड करना होगा मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो ये सॉन्ग बीट मार्क को डाउनलोड कर लेना और ये प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद देखो कुछ इस तरह आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। पहले से मैं सब कुछ यहाँ पर ऐड करके रखा हूँ, देख सकते हो। देखो शुरू में जो बीट है ये बीट में देखो कुछ इस तरह मैं इफेक्ट फोटो में ऐड करके रखा हूँ, और ये जो बीट है ये बीट से आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा फोटो को और इफेक्ट को। तो सबसे पहले ये बाद में दिखाऊंगा कैसे ये बीट में इफेक्ट को ऐड करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट में जो फोटो है ये फोटो को आपको रिफ्रेश करना है। तो कैसे रिफ्रेश करना है, देखो यहाँ पर जो फोटो है फोटो लेयर को आपको टच करना होगा, कलर एंड फिल ऑप्शन में आना होगा, स्टार ऑप्शन को टच करना, और इधर से जो फोटो आप ऐड करना चाहते हो फोटो को यहाँ से देखो ऐड कर लेना है। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पर जो ग्रुप है ये ग्रुप के अंदर जो फोटो है ये फोटो में आपको रिफ्रेश करना होगा, तो ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आपको आना। एडिट ग्रुप पे आने के बाद देखो यहाँ पर जो ग्रुप एंड मार्क्स टू लेयर जो है ये लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना, और फिर से देखो यहाँ पर फोटो लेयर देखने को मिल जाएगा, फोटो लेयर को टच करना, कलर एंड फिल ऑप्शन में आना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर लेना, और देखो सेम फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना, जो बैकग्राउंड में था वो वही फोटो को यहाँ पर भी ऐड कर लेना कुछ इस तरह। तो देख सकते हो यहाँ पर फोटो देखने को मिल जाएगा, तो ये ग्रुप से बाहर हो जाना। तो जैसे ग्रुप से बाहर आओगे तो देखो कुछ इस तरह यहाँ पर फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देखो कुछ इस तरह। उसके बाद देखो यहाँ पर जो फोटो है ये फोटो में भी आपको रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश करने के लिए फोटो लेयर को टच करना, कलर एंड फिल ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर स्टार ऑप्शन को टच करना है। स्टार ऑप्शन को टच करने के बाद फोटो को खाली रिफ्रेश करना है, तो देखो फोटो लेयर को टच कर सॉरी फोटो को सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर जो प्लस ऑप्शन है पर टच करके फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना। तो देखो यहाँ पर जो फोटो है वो ऐड हो चुका है। तो सेम यही ये जो फोटो है ये फोटो को भी आपको रिफ्रेश करना है, तो जिसमें दिखा है वैसे करके आपको रिफ्रेश करना है देखो कुछ इस तरह करके। और यहाँ पर जो ग्रुप में जो फोटो है देखो ये ग्रुप में भी आपको रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पर जितने सारे लेयर है सभी लेयर में आपको रिफ्रेश करना है। तो जिसमें दिखा है वैसे करके आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेना फोटो को। तो यहाँ पर देखो ये जो ग्रुप लेयर है ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना, और ये जो फोटो है फोटो लेयर को टच करना, कलर एंड फिल ऑप्शन में आके ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, और फोटो को इधर से रिफ्रेश कर लेना। देखो कुछ इस तरह करके फोटो को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्लस ऑप्शन को टच कर देना, और देखो फोटो अगर ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर जो मूव वाला ऑप्शन है यहाँ पर टच करके फोटो को ऐसा करके आप एडिट कर सकते हो। तो ऐसा करके एडिट कर लेना, उसके बाद ये ग्रुप से बाहर हो जाना। तो ये ग्रुप से बाहर हो जाने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह यहाँ पर फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो खाली आपको रिफ्रेश करना है और कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। तो दोस्तों देखो ऐसे करके आप लोग यहाँ पर जो ग्रुप है ये ग्रुप में फ़ोटो को रिफ्रेश कर लेना, और रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ पर जो बीट है ये बीट से आपको यहाँ पर कुछ भी लेयर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कैसे ऐड करना है वो ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ पर जो बीट है यहाँ से देखो ये जो फोटो है ये फोटो से लेके यहाँ पर
टोटल 8 फ़ोटो को आपको सिलेक्ट करना है, मतलब 8 लेयर को। 8 लेयर को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो डबल बॉक्स ऑप्शन है यहाँ पर टच करके इधर से कॉपी लेयर कर लेना। कॉपी लेयर करने के बाद यहाँ पर जो बिट है ये बिट में आपको आना है और यहाँ पर पेस्ट 8 लेयर कर देना। पेस्ट 8 लेयर करने के बाद देखो यहाँ पर जो बिट है ये बिट से आगे चला गया ए लेयर, तो बिट के हिसाब से रखना है। तो ये लेयर को टच करना, टाइमर ऑप्शन को टच करके ये वाला ऑप्शन को टच कर देना, फिर से ये वाला ऑप्शन को टच करना, ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। और देखो ये जो बिट है ये बिट के हिसाब से रखना है, तो बिट के हिसाब से रखने के लिए टाइमर ऑप्शन को टच करना, ये वाला ऑप्शन को टच कर देना। तो देखो यहाँ पर जो तीन ग्रुप लेयर है, तीन ग्रुप लेयर को ऐसे करके सिलेक्ट करना है। ये जो बिट है ये बिट में आना है, ये जो ऑप्शन यहाँ पर टच कर देना, तो एक साथ में तीनों लेयर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पर फोटो को ऐड कर लेना। और फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों देखो यहाँ पर जो बिट है ये लास्ट बिट है, तो ये बिट के आगे यहाँ पर देखो ये जो ग्रुप लेयर है वो हमारा रह गया है, तो इसको कट करना है। तो ये ग्रुप लेयर को टच करना है, जो ऑप्शन यहाँ पर टच करके कट कर देना कुछ इस तरह, तो देख सकते हो सॉन्ग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस फोटो को रिफ्रेश कर लेना और कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। फोटो को रिफ्रेश करना है, उसके बाद फास्ट में आना है, प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आना है और यहाँ पर जो पिंज बॉर्डर है ये वाला पिंज बॉर्डर को आपको ऐड करना है। जो पिंज बॉर्डर मैं हर वीडियो में यूज करता हूँ वो वाला पिंज बॉर्डर को यहाँ पर ऐड कर लेना, मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास नहीं है। तो ये पिंज बॉर्डर को ऐड कर लेना, उसके बाद लास्ट में जाना जो ऑप्शन है पर टच कर लेना। तो दोस्तों जैसे मैं देखा ऐसे करके आप लोग ये स्टेटस को बन लेना और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीडियो को सेव कर लेना। तो वीडियो को सेव करने के लिए देखो यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना है और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।